हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले साल हमने एक वीडियो पब्लिश किया था, बेस्ट पाइल क्रीम 2020। हालांकि मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई क्रीम नहीं है जो बेस्ट हो पाइल्स, मसे, बवासीर, फिशर, फिशुला, बगंदर के लिए। ये आपको जनरली रिलीफ देने का काम ज्यादा करता है। अर्ली स्टेज के हिमरॉइड्स, बवासीर, मसे हो तो कुछ लोगों को ये कम्प्लीटली गायब हो सकते हैं, डाइट से, मेडिसिन से, परहेज से या फिर नेचुरली टाइम से। लेकिन काफी सारे लोग YouTube कमेंट सेक्शन पे पूछते रहते हैं बेस्ट पाइल्स क्रीम कौन सी है, अगर फिशुला है तो कौन सी क्रीम इस्तेमाल करनी चाहिए, यदि फिशर है तो कौन सी ऑइंटमेंट अच्छी रहती है, लगाने के तरीके के बारे में भी कुछ कुछ कंफ्यूजन रहता है। तो हमने इस वीडियो में कुछ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देने का प्रयत्न कर रहे हैं। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कि अगर आपको पाइल्स, बवासीर, मसे, फिशर, फिशुला में अगर ट्यूब लगाने में दिक्कत आती है या फिर लगाना आपको डिफिकल्ट हो रहा है, शायद दर्द के कारण, जलन के कारण, तो एक दूसरी मेडिसिन है जो अलग तरीके से आप यूज कर सकते हो, आपको शायद काफी बेनिफिट मिल सकता है, बिना टच की आप इसे यूज कर सकते हो। उसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयुर्वेदिक ऑइंटमेंट के बारे में। हिमालय कंपनी की प्रोडक्ट है पाइलेक्स और पाइलेक्स फोर्ट ऑइंटमेंट। जी हाँ, पाइलेक्स और पाइलेक्स फोर्ट। पहले पाइलेक्स ऑइंटमेंट मिलता था मार्केट में और अभी पाइलेक्स फोर्ट ऑइंटमेंट मिलता है। पाइलेक्स फोर्ट ऑइंटमेंट में लजालू, भृंगराज, कपूर, ये सब आयुर्वेदिक कंटेंट्स है और ये आयुर्वेदिक कंटेंट से आपको रिलीफ देने का प्रयत्न करते हैं। यदि अर्ली स्टेज के पाइल्स बवासीर है तो डाइट, मेडिसिन और परहेज से कुछ लोगों को अपने आप ठीक हो सकता है। ये इसके साथ एनल एप्लीकेटर आता है। ये एनल एप्लीकेटर को आपको ओपन कर देना है, हैंड अच्छे से वॉश कर देना है, टॉयलेट के बाद आपको ये एप्लीकेटर इनल एरिया के अंदर लगाना है। लगाने से पहले आपको इसे पहले पानी से लुब्रिकेट कर देना है या तो फिर ट्यूब के साथ ही इसको थोड़ा सा पुश करके ट्यूब से लुब्रिकेट कर देना है, जिससे लगाने में आपको आसानी हो। तो ये है पाइलेक्स फोर्ट ऑइंटमेंट, जो आयुर्वेदिक ऑइंटमेंट के नाम से थोड़ा सा प्रमोट किया जाता है मार्केट में। सेकेंड ऑइंटमेंट की बात करें तो है हेडेंसा ऑइंटमेंट। हेडेंसा ऑइंटमेंट काफी सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स यूज करते हैं। इसमें जो कंटेंट है वो है लिग्नोगेन, थाइमोल और मेंथॉल। तो बेसिकली फिशर में ज्यादा काम कर सकता है, कूलिंग इफेक्ट देगा, खास करके किसी को बर्निंग, आग लगी ऐसा अगर लक्षण है तो आपको शायद आपको ठंडक देगा। कुछ कुछ लोगों को इसमें से बर्निंग सेंसेशन यानी जलन कभी कभी बढ़ भी सकती है, तो इसके लिए हम डॉक्टर से चेकअप करा लेना हमेशा एडवाइस करते हैं कोई भी ऑइंटमेंट यूज करने से पहले। तीसरी बात करते हैं, यदि किसी को फिशुला है तो फिशुला, पस या इन्फेक्शन है तो इसमें कुछ एंटीबायोटिक कंटेंट्स वाले ऑइंटमेंट यूज करने चाहिए, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं क्रीमेजिल एच के बारे में। ये क्रीमेजिल एच करके जो ऑइंटमेंट है, इसमें सुक्रालफाइड, मेट्रोनिडाजोल और लिग्नोकेन आता है। ये एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी दर्शाता है, जिससे इन्फेक्शन आपको काबू करने में आसानी रहेगी। मेट्रोजिल पी ऑइंटमेंट खास करके फिशुला में हम यूज करते हैं। इसमें मेट्रोनिडाजोल, पोविडोन, आयोडीन है। ये फिशुला और पेरिनल एब्सेस के लिए एक अच्छी ऑइंटमेंट है, जिससे आपको इन्फेक्शन में राहत मिले और पस, अगर आपको मलद्वार की जगह पे पस इन्फेक्शन है तो आपको जल्दी काबू में ला सकता है। साथ ही साथ मेडिसिन भी लेना जरूरी है, जो आपके डॉक्टर आपको गाइडेंस देंगे। दूसरा जो मार्केट में अवेलेबल है वो है सुफ्रेट टीपी, जिसमें भी सुक्रालफेट, टीनेडोजोल, पोविडोन, आयोडीन है। ये सब ऑइंटमेंट्स में क्रीमेजिल एच जो ऑइंटमेंट मिलता है, इसमें साथ में आपको फिंगर ग्लोव आते हैं, सिंगल सिंगल फिंगर के ग्लोव मिलते हैं, जिससे आपको अलग से ग्लोव खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लगाने में भी आसानी रहेगी। तो अभी बात करते हैं एलोपैथिक ऑइंटमेंट स्पाइस बवासीर हेमरॉइड्स में कौन सा फेमस है। इस वीडियो में बात करेंगे दो ऑइंटमेंट्स के बारे में। एक है प्रोक्टोसिडिल बीडी, जो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे, अलग अलग कंट्रीज में इजीली अवेलेबल है, खास करके अमेरिका, यूरोप और इंडिया में भी। और दूसरा है एनोवेट ऑइंटमेंट। एनोवेट ऑइंटमेंट काफी सारे गायनेक डॉक्टर्स उनके पेशेंट्स जिसको फिशर या बवासीर होते डिलीवरी के बाद, इसमें एनोवेट ऑइंटमेंट इस्तेमाल करते हैं। काफी फेमस है, गायनेक पेशेंट्स में इसे यूज किया जाता है। और दूसरा प्रोक्टोसिडिल बीडी, जो मैंने अभी आपको बताया। ये दोनों ऑइंटमेंट्स में कंटेंट सिमिलर है। बैक्लोमेथासोन है, जो लोडो स्टीरॉयड है, जिससे आपको मलद्वार के जगह पे जो बवासीर की सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करेगा। फिनाइल एफरीन है, जो रक्तवाहिका को संकोच देगा और ब्लड सप्लाई घटा देगा मसे पाइल्स के, और इसके कारण ब्लीडिंग कम हो सकता है। लिग्नोकेन है, जो आपको लोकल एनेस्थीसिया की प्रॉपर्टी देगा, जिससे आपको दर्द कम होगा। अभी बात करते हैं फिशर। फिशर में कौन से ऑइंटमेंट्स फेमस है मार्केट में। इंडिया की बात करें तो एस्कॉट क्रीम है, जो फिशर में यूज की जाती है। और दूसरी जो ऑइंटमेंट जो मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, फिडोनल ऑइंटमेंट है।
ये दोनों क्रीम्स फिशर में इस्तेमाल की जाती है, जिसमें निफेडिपिन है, जिससे टॉयलेट का जो एरिया है नीचे की रिंग है वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, जिससे टाइटनेस कम हो जाती है और लंबे टाइम तक आपको दर्द में राहत मिलती है। साथ ही साथ लिग्नोकेन जो सरफेस एनेस्थीसिया देती है। अभी फिडोएनल की खास बात है कि इसके साथ एक सिरिंज एप्लीकेटर आता है, जिससे लगाने में अंदर फिक्स डोज अगर आपको लगाना है तो ये सिरिंज एप्लीकेटर से आप लगा सकते हो। इसका एक वीडियो हमने बनाया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक देंगे कि फिडोएनल ऑइंटमेंट कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों ऑइंटमेंट फिशर में यूज की जाती है। तो मैं बात कर रहा था, वीडियो के अंत में हम बात करेंगे एक अलग मेडिसिन जिससे लगाना बहुत ही इजी है, नो टच टेक्निक से आप खुद भी लगा सकते हो, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, इसके कारण आपको शर्म भी नहीं आएगी। यदि आपका ऑपरेशन हुआ है या फिर आपको पाइल्स बसे बवासीर की तकलीफ है और अर्ली स्टेज की है और दर्द और जलन ज्यादा है, तो मार्केट में एक पाइलो स्प्रे नाम का एक प्रोडक्ट है। ये जो है ये स्प्रे के रूप में लॉन्च किया है, काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट है। इसे सिर्फ आपको स्प्रे कर देना है, समझो कि ये मलद्वार का जगह है, ये मलद्वार की जगह पे सेंटर पोर्शन एनल कैनाल है, तो आपको 5 से 8 सेंटीमीटर दूर रखना है, इसे 2 से 4 सेकंड के लिए स्प्रे करना है और ऐसे दो दिन में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं, मोशन के पहले, मोशन के बाद और एक बार रात को भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें जो लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज है और कुछ आयुर्वेदिक कंटेंट्स है जिससे आपको पाइल्स मसल बवासीर में रिलीफ मिल सकती है या फिर आपको क्योर भी मिल सकता है अगर अर्ली स्टेज के हेमरॉइड्स है। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी, कौन से क्रीम्स अवेलेबल है, ऑइंटमेंट्स अवेलेबल है अलग अलग कंडीशन में, जैसे कि पाइल्स मसे बवासीर हेमरॉइड्स, फिस्चुला और फिशर। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।